ओए उठ ना रिया, इस लड़की के ऊपर काला जादू भी है। बंद करती हूँ तो कुछ चीजें ऐसा लगता है कि मेरे पे है। क्या बोल रहे हो मामी? ए मामी ऐसा मत बोलो, अंदर रही जो मामी जल्दी फोन लगा जल्दी। मम्मी मम्मी ए पिंकी एटा की पिंकी ए मम्मी इले एबड़ को ए जे एबड़ दे पोस्ट लेना मम। हेलो हम एडी एडी मिली दी तू जल्दी आ सो। हला मम्मी मम्मी जल्दी आ सो। अरे ए जे सही पट दी आमर जे बटे आसले ना तारी भीतर दी गई तो निसासो का चालू नहीं तर ब्लड बाहर ही जी मम्मी ब्लड पुछ। ए मम्मी गाड़ रो पानी होची ना तू पानी गिरी छी। हां हां पानी पानी का मागो। ए मां किंगे उठ जा ना उठ जा। पानी दे मामी पिंकी ए मां। ओए उठ जा ना आए उठ जा। कूल यार। ओए उठ ना रिया। बैठ बैठ जहाँ जाएगा ले जाऊंगा मैं। तू जहाँ जाएगा ले जाऊंगा। तू बैठ बैठ बैठ। अरे कहाँ जा रहा है? अपने भाई पकड़ो यार जाके पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मैं पोली बंद कर दे।
अरे यार कित अरे बंद करो अरे रुक शांति शांति शांत हो जा अरे आराम से मथा के बाजी मथा बाजी मथा बाजी मथा बाजी मथा बाजी ए गुणिया कुडा किबा के दरगा गुणिया कुडा किबा ओय मम्मी 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 गुणिया 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 से गुणिया कुडा से जहा कुडा के तारिक आपा तो किनी तारिक आपा दा रुक जा शांत रो बस बस शांत अरे अरे वो तो ना ओय 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 छोड़ अरे यार मामी आंटी तुलसी का पत्ता लेके लेके विभूति भी नहीं है तो विभूति अच्छी मम्मी अच्छी ना तुलसी लेके आओ ले आनी ना तुलसी का पत्ता जल्दी ला चले जंगल ले लूँ मैं ये तो मैं हाँ तो मना कर रही हूँ ना जंगल फोन देते ना कौन है कौन है तू कौन है कौन है तू अच्छा तो शादी भी क्या मेरे को हाँ नहीं 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 छोड़ा विभूति अरे कुछ तुम्हारे बेटी को क्यों लेके गया था जंगल में हैं क्यों लेके गया था लेके जाऊंगा ना अब तेरा तो उधर बनी है ना निकाल दूंगा अब दो दिन के बाद क्या करेगा दिखाऊंगा मेरा औकात दिखाऊंगा मैं लेके जाऊंगी शांति पड़ जा शक्ति तो है ऐसा नहीं है तो पता नहीं जाऊ ठीक है ना बुझ रहा हूँ अरे गुणिया करी तो बेकार कर दी थी किसी कोरी पर ये किंतु आज ही घिनिया से मम्मी आज ही जरको होउची एर होबोनी आको परेशान हो गए हां से आसी बोनी कुछ नहीं की जाती आको नबो की थी तो आज तुम्हें जाई की ताको डाक के दियो हम तो डाके सुनी बोनी तुम्हें जीवो अंत जाओ ठीक है आज परेशान करके रख छी प्रिया क्यों आया तू आया तो तू है ये मेरा घर है कहां से क्यों आया इधर तू क्यों आया ये बता ना तेरे को तो बोला था ना जल्दी क्यों आया ये मेरा घर है यार कहां से नाम लिखवा के छोड़ के गया था जल्दी इसे जंगल में क्यों लेके गया तेरा घर था ना ये तो जंगल में क्यों लेके गया मारने के लिए क्यों किसने क्या खाना तेरा चाहिए मुझे क्यों चाहिए भाई अरे बोल चाहिए मुझे ये चाहिए बस ऐसे ही जोर जमा सकता है क्या
क्यों चाहिए तेरे को ये? तू मर दे। अब हंसी किस बात पे आ रही है भाई? तुझे शक है? और क्या शक तो है, तभी तो तू लड़की के पीछे है। और तू अपना घर बताता है इसको, अगर ये तेरा घर होता ना तो तू जंगल में क्या ले जाता है इसे? बोल बोल। बस देखो मैं उस लड़की को लेके आ रही हूँ दोबारा से, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है? ये नहीं बोलेगा क्या? देखो ऐसा नहीं होना था, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था इस लड़की को नहीं भेजना बाहर। हम नहीं भेजे तो खुद चला गया, हम लोगों को बंद करके चला गया बाहर से, कुंडी लगा के और मार के। भाई तुम इसे जबर हो क्या? ये लड़की है? लड़की नहीं है ये लड़की। अभी शरीर में कौन दिखाई दे रहा तुम्हें? अभी तो तुम्हारी बेटी या फिर वो चीज? जल्दी, वो बेटी तो है ही। तो फिर भाई तुम रोक क्यों नहीं सके ये बताओ ना, तुम्हें रोकने में क्या दिक्कत हुई? इतने सारे लोग हैं। नहीं आज तो तू रुकेगा, नहीं रुक पाओगे आज, तू रुकेगा और अपने मुंह से कबूल करके जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा अभी। मैं क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम क्या था? निशा। इस लड़की का नाम क्या था? प्रिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए प्रिया को वापस लेके आ रही हूँ, उसको थोड़ा सा रोक रही हूँ, फिर इससे कुछ बातचीत करनी है मुझे। बेहोश हो गया क्या? अभी वो थोड़ा सा चीज निकलता है ना तो थोड़ा सा होता है, निकल जाता है ना थोड़ा सा। उनको पानी वो आपके पास उधर रखा हुआ, थोड़ा सा पानी पिलाओ। मैंने आपको जो सामान मंगाया था, राई गंधक और गंगा जल, आप लोग लेके आए थे? आपने किया तब ये घर में उसकी तबीयत खराब हुई थी लड़की की। हाँ। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीज जो है वो ऐसी ही है, गंदी चीज है। प्रिया बेटा पहचाना मुझे? लास्ट टाइम हम मिले थे। कैसे हो? बॉडी पेन हो रही है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो रहा है? बॉडी दर्द हो रहा है। अच्छा आप ठीक होना चाहते हो? होना चाहते हो ना? तो जो ये लोग बोलते हैं वो चीज वो तुम करते क्यों नहीं हो? क्या चीज? क्या चीज तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होता है? नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है, कब बॉडी में पेन होता है? अच्छा कभी भारीपन लगता है ऐसा? जब ऐसा कुछ होता है तो शरीर बहुत भारी भारी सा लगता है, या फिर पागलों वाली हरकतें रहती हैं? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता होता है, पर बॉडी दर्द होता है सर, भारी लगती है शाम के टाइम। शाम किस टाइम?
थोड़ा थोड़ा सांग होता है तब भी छः साढ़े छः के बीच, और उसके बाद जब दोपहर के टाइम पे भी पता नहीं आंख बंद करती हूँ तो कुछ चीजें ऐसा लगता है कि मेरे पे है, यहाँ तक आता है और कोई मुझे उठाने को कोशिश करता है, उठ जाओ उठ जाओ। आज कहाँ गए थे? आज कहीं नहीं गए थे मैं। कहीं नहीं गए थे? जंगल में कौन गया था? कौन गया था? मैंने गए थे। कौन गया था फिर जंगल में? मैंने गई थी। कोई तो गया ना बेटा, तो इन लोगों को कैसे पता लगा कि तुम जंगल में गए हो, तुम्हें कैसे ढूंढ रहे हो? इतना बताया मम्मी के रूम पे सो रही थी बस। अच्छा, ये वाला रूम जो है वो आपका है? मेरा। और ये कौन है जो ये बैठे हुए? मम्मी। अच्छा, आपकी फैमिली में है कौन कौन? मैं हूँ, राजा, मामी, मम्मी, भाई है, मामा है, ससुरा है। अभी तो फिलहाल इधर ही इतना है, गांव में ससुराल में सास ससुर है, एक भांजा है। ये बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होता है जिस टाइम ठीक कराना चाहते हो इस लड़की को या नहीं? ठीक कराना चाहते हैं ना। तो फिर भाई तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ध्यान तो दिया था हमने। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होता ये लड़की नहीं भागती। देखो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ। देखो जैसे ही मैंने इस घर में एंट्री करी है, इस घर का भी कुछ चक्कर है, ये गलत जगह पे है, इसका तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। उपाय तो तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने वो दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाए हो। इसका सीधा सीधा इलाज है पूजा कराना। तो आप घर के लिए छोटी सी पूजा तो कर ही सकते हो कि लड़की ठीक रहे। बोलोगे वही करूंगा, आपने जो जो बोला था वो किया भी, लेकिन इसको रोकना इतना आसान नहीं है। हाँ, और इसने मार के इसने उसके लिए सब कुछ किया, सब उसको रोकना इतना आसान नहीं है। जैसे वो लड़की उसने मुझे गेट पे धक्का दिया, यहाँ पे लगा मेरा, ठीक है, ये मेरे को उठाने गया, तो वो गेट खोल के भागा तो भागा और बाहर से कुंडी लगा के गया और किराए के नीचे उसको चिल्ला चिल्ला के आके गेट खुला। उसने बोला वो पिया को मैं रोक रहा था, वो जंगल की तरफ भाग रहा है। और जंगल में क्या हुआ था? जंगल में इसको नहीं मिल रहा था ये। हम गए जाके देखे तो बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। तो उसके बाद जाके देखा मुंह पे फोन आ गया। अब मैं गारंटी से बोल सकती हूँ उस लड़की के ऊपर काला जादू भी है। इस लड़की के ऊपर काला जादू भी है, इस लड़की के बाल काटे गए ये बात आपको पता है, इसकी साड़ी का पल्लू काटा गया ये बात पता है? पता है कभी? वो तो पहले ही काटा जाता था, मतलब बाल इसका बार बार काटा जाता है, बार बार। पर वो दीदी रात में सुबह उठ के बोलता है, तो सुबह थोड़ी कौन काटेगा, तो हम और मैं और रहते हैं। देखो तुम्हें बीच में जिसने जो चीज, जैसे हम लोग इस लड़की के पीछे भी जो बैठा पड़ा है ना, नवाब आ रहा है धीरे धीरे, उसका भी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। कुछ जो तुम्हारे मिले हुए जो होते हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर काला जादू कर रखा है। इस लड़की को जो खून आया, कभी भी जो चीज होती है ना, कभी भी ऐसे खून नहीं निकालती, समझ रहे हो? इसका भी तुम्हें इलाज कराना पड़ेगा। हाँ भाई आओ। नवाब तुमने बहुत परेशान कर रखा है जी इनको। तू आया कैसे इधर? आया कैसे इधर मेरे जगह पे? अच्छा ऐसे ही होता है वो, जब भी मतलब हो जाता है ना धक्का बक्का मारता है। तुझे याद नहीं है क्या? क्या याद नहीं है? बोल बोल क्या याद नहीं है? तबीयत और भी खराब करना है तुझे, मुझे लग रहा है। तुझे ये लग रहा है क्या कि ऐसे उसी से पाला पड़ा है? तू तो झटके दिखा रहा था मुझे, और देख ले तेरे सामने ठीक ठाक हूं मैं। बोल बोल चले जा इधर से। तू नाच के दिखाएगा मुझे? चले जा इधर से। नाच के दिखाएगा? बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
अभी गलती तो तू कर रहा है। मुझे निकालने आया है, मेरे को? हाँ तेरे को। नहीं निकाल भाई, अब तो तू निकलेगा भी, और देख अभी डांस करके भी दिखा दे। बोल दिखवा दू? अरे दिखवा दू, इधर से चले जा। अगर तेरी हिम्मत है ना तो तू मुझे यहां से निकाल के दिखा दे। चले जा इधर से, चले जा। हाँ तो सही, दिख रहा है? डांस कर, डांस। ये दिखाई दे रही है? क्या हुआ? चले जा इधर से, बस चले जा, चले जा। मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे। ये देख, ये दिखाई दे रही है? बस यहीं तक रह सकता है, यहाँ तक। ये तू जब टच भी कर दी ना, हिल जाएगा। हिल, दिखाऊं नजारा? दिखाऊं? बस इतना ही चल पाया ना? आप यहाँ से थोड़ा सा उठ के यहाँ जाओ, अच्छा चीज नहीं है ये। चले जा इधर से, चले जा, चले जा, चले जा। जल्दी आ जा, जल्दी चले जा, चले जा, जल्दी आ जा, जल्दी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे आ जा, जाऊंगी इधर से, नहीं जाऊंगी, जल्दी नहीं जाऊंगी। जाओ उनको समझ। आप लोगों ने देख ही लिया है, वो रुकने पे भी नहीं रुक रहा है। जब तक आप इसका इलाज नहीं करोगे ना, तब तक ऐसी रहेगा। आप इलाज इलाज आज ही कराओ। आज तो नहीं होगा। देखो एक टाइम कोई आता है तो वो पहले अपना उसका जलवा भी देखता है थोड़ा सा, वो क्या चाहता नहीं है। दीदी आप देखो, आप बोले थे हम जैसे, आप बोले थे हम वैसे किए थे, फिर भी ये हमें बंद करके चला गया। आप जैसे अभी जाओगे तो अभी कुछ नहीं करेगा, कोई गारंटी तो है नहीं। अभी गारंटी ले रही हूँ मैं इसकी, इस चीज की। ये रात भर तो ठीक सोएगी, खाना भी अच्छे से खाएगी। ये लड़की खाना भी नहीं खा रही है। जिस टाइम आप लोग मेरे पास आए थे उस टाइम ही खाया, उसके अगले दिन से इसने नहीं खाया है। थोड़ा बहुत पानी वानी पिया होगा, जो पिया होगा। पानी तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अभी ये खाना भी खाएगी। देखो मेरे को नहीं पता तुम लोगों को एक साथ क्या हुआ है, कहाँ ये सीन हुआ है, पर ये लड़की बहुत परेशान है। इसके ऊपर प्लस काला जादू भी है। मैंने आपको बता दिया कैसा जो चीज होती है ना, कभी खून नहीं निकालती है, वो सिर्फ शरीर को हमें पहुंचाती है या शरीर इंसान को मार डालती है, वो ये करती है। लोग परेशान होते हैं, वो कुछ उपाय नहीं कर पाते, ठीक है। जो काला जादू है, इसके मुंह से खून आया है। ये खून जो निकल रहा है ना, हमें ज्यादा डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। खून की वजह से ज्यादा डर हो रहा है। देखो इस लड़की के ऊपर जो काला जादू, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका इलाज करते हैं हम लोग, ठीक है। इलाज करने के बाद फिर काला जादू हट जाएगा, ठीक है। जो इस वाले का जो ये है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लगेगा। देखो तुम इतने टाइम से परेशान हो, कुछ दिन बहुत परेशान, मतलब क्या बताऊं, हम परेशान हैं। लड़की का हालत भी, उसका बॉडी का कोई ये ही नहीं है, धजिया उड़ा दिया उसने। अभी मुझे ऐसे कुछ करो जैसे कि वो जंगल ना जाए, क्योंकि जंगल जब चला जा रहा है ना तो बाहर घर के अंदर चलो, जो भी हो हमसे लड़ाई करता है, मारने से करता है। लेकिन आज दो तीन घंटा ढूंढ ढूंढ के ना थक गए, तभी मम्मी ने आपको जाके पागल हो गया ना। ठीक है देखो ये जंगल नहीं जाएगी, ऐसे कुछ कर लो जैसे घर के अंदर से बाहर ना जा सके। आपका मेन जो डोर है वो काफी बड़ा है, ठीक है, बंद करते हैं उसको। बंद रखना है आपको, मतलब ऐसे बंद नहीं रखोगे। देखो आपने बताया कि किराएदार भी रहते हैं, ठीक है, उसका आना जाना भी है। उस पे हमेशा झाड़ू लगा के जो रात की जो राई होगी वो बाहर फेंक दो, कहीं भी उठा के झाड़ू लगाओगे, जैसे हम लोग कूड़ा फेंकते हैं ऐसे ही फेंक दो। अगर आपके पास कोई पानी वानी चलता हो गंदी जगह में, उसको फेंक दो, ठीक है। दूसरा आप 24 घंटे राई डाल के रखो। एक मैंने आपको वो दिया था इसको बांधने के लिए, बांध दिया था है उसके हाथ पे, ठीक है। बाकी वो जो लेडीज थी हाथ में तो है ही नहीं, देखो तो मामी निकाल दे, निकाल दे। ये जब लड़की भागी है, नहीं ये जाती नहीं, उस धागे में ऐसा था कुछ चीजें, मैंने अपने ऐसी बांध रखी थी, उसको बोल रखा था, फूंक कर रखा था
ये लड़की घर से बाहर नहीं जा पाएगी। और कुछ अच्छा ये बताऊँ, दूसरी लेडीज जो बच्चे वाली जो बोल रही थी वो तो नहीं आई, स्कूल नहीं आई, वो नहीं आई, नहीं नहीं वो नहीं, वो आएगी भी नहीं है। ठीक है, अपने बच्चों से उसको मैंने मिलवा दिया है, वो अपने बच्चों से मिल चुकी है। उसने बोल के भी गई थी कि मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आऊंगी तो मुझे बांध के फेंक देना। ठीक है, मैंने उसको मिलवा दिया। वो अच्छा भी था, वो कुछ नहीं करता, पर ये जो देखो मरने के बाद कोई अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है। मैं मर जाऊं, अभी ये मर जाए वो मर जाए, ये आपको परेशान करने के लिए आ जाए, ये अच्छा है अभी बैठा हुआ, अच्छा है ये इंसान। मरने के बाद कोई अच्छा नहीं होता है, यहाँ तक कि खुद के अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं होते मरने के बाद। अगर वो दिखाई भी देते तो बच्चा डर जाता है ना कि भाई हमारे माँ बाप मर गए हमें क्यों दिखाई दिए, ये वाला सीन। तो इसको ये चीज निकाल दो दिमाग से कि वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं था। लड़की को परेशान तो सबसे ज्यादा उसी ने किया ना, रुलाया जब मर्जी इसको। हाँ ये रुला, पर ये मारता है, वो तो रुलाता है हम लोगों के सामने, बस बच्चा बच्चा होता है, ये तो मारता है ना, ये तो मार देगा सारा काला निशान। अभी देखो अभी कुछ दिन से मारा नहीं जब से आप आए हो इस, पर आज आज जो किया वो तो बहुत गलत किया था। आज हम लोगों ने बहुत परेशान हुए, आज हम मतलब क्या बोले 2 बजे से ढूंढ रहे, शाम को मिला ये। मम्मी तो बोले ही होंगे आपको वो सब। देखो मैं आती नहीं, मेरे बहुत से ऐसे मुझे पता है आप आए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पता मैं है आप... आती नहीं। और मामी मामी जो मैंने आपको सामान बताया था फोन पे आते टाइम बताया है इनकी मम्मी को, वो लेके आओ। मैं ये धागा बना रही हूँ, ठीक है, आपकी ये धागा खुले ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जो मैं सामान लेके आई हूँ वो सामान उठा के आप यहाँ टेबल पे रख देना, या फिर मुझे यहाँ दे दो, मैं वो दिखा देती हूँ। और ये धागा मैंने बना दिया है, ठीक है, आप ही बांध दो उसको। दीदी एक काम करो ना, ये धागा को अगर कहीं और बांध सकते हो जहाँ पे ये खोल ना पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो इतना बड़ा तो है ये, ठीक है, पर ये ऐसे हाथ पे नहीं लगना चाहिए, कमर में अगर बांध सको, ठीक है। देखो ऐसा होता है, कमर कमर पे बांध देंगे, ये कमर पे बांध लेना ये लो, ठीक है। और ये एक में राई है और एक में ये गंधक है, और उसमें कुछ मैं अपने उससे मिला के लेके आई हूँ जो हमारे हवन में होता है, ठीक है। माँ की भभूति भी है इसमें मिली हुई, जब तुम्हें लगता है रात को लड़की वैसे तो नहीं होगी परेशान, अगर लगता है तो उसमें से लगा देना थोड़ा सा टीका, या हम आते पे ऐसे करके लगा देना, ठीक है। और कल नहला धुला के लड़की को ये पहना देना कमरे में, ठीक है। आज पहना सकते हैं क्या? नहीं आज नहीं पहना सकते मुझे, आज तो आज ठीक रहेगा। देखो अगर ये लड़की अभी आप नहला सकते उसको, ठीक है, तो अभी बांध दो क्योंकि ये जंगल में जा रखी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ये कपड़े ना जो इनके धोखे साथ के साथ डाल देना। और बाकी की जो बात है इनकी मम्मी से मैं बात कर लूंगी, ठीक है, और बाकी जो बात है इनकी मम्मी को मैं बता दूंगी, जो इम्पोर्टेंट बात है आपको नहीं बता रही। ठीक चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरा फेस तो दिखाई नहीं दिया ना? नहीं नहीं किसी में नहीं आता, मैं आपका कभी नहीं लाता हूँ सच्ची में। हाँ क्योंकि देखो मैं तुम्हारा काम करने आई हूँ जी, जी जी नहीं नहीं उसका कोई टेंशन नहीं, मैं बस अपना वीडियो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो छोड़ती हूँ यूट्यूब में क्योंकि सब मेरे को मतलब प्रिया को बहुत प्यार करते हैं लोग। ठीक है आप, मैं छोड़ के आता हूँ मम्मी, ये लो।